इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है, जहां शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के ग्राम चितकुरी में चल रही चकबंदी का निरीक्षण करने के लिए सीओ चकबंदी स्वतंत्र वीर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां किसान अपनी जमीन से संबंधित शिकायत सीओ चकबंदी से कर रहे थे। इसी दौरान चक काटने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें जमकर हाथापाई और लात घूंसे भी चले। मामला गंभीर होता देख सीओ चकबंदी मौके से निकल लिए और थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद दोनों पक्ष भी थाने पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम चितकुरी में चकबंदी लेखपाल पर किसान ने चक बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इस मामले का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। पहले देखिए रिश्वत लेते लेखपाल का वो वीडियो। मैंने कहा था उसे पैसे देगा आपने। हाँ, ये कह रहा था उसे, हमसे बैठा रहा उसी दिन आया था। देखिए कम से कम 5 बजे का हमारे दिन बैठा रहा, फिर 5 बजे के बाहर गया। जब मैं तेरे थी वो कैसे है देखा दे रहा हूँ। सावन तो ठीक है, लेकिन वादे से मत मुड़ा करो। हमने तो मुकेश की बात है, 5 बजे से 5 हमारे पास खुल लेगा जहाँ से बहुत समय बन गया तुम्हारा मुकेश। ले साहब रुको, बताने वाले ये तो सर, अब तो साहब आपकी कई बात कर दी, अब क्या बात है साहब, हैं देखो कितना है सब शायद कम आए, देखो कितने। अब साहब नहीं तो किराए तक को मेरी बात पैसे नहीं समझ, 100 कम है सर, 12 में 100 रुपये की बात नहीं कर सकते आप हमारी, हैं इतनी मदद कर रहा हूँ। अरे साहब कैसी बात करते हैं आप, इधर बहुत है जीवन मर्याद रखेंगे मदद को, आपकी कैसी बात करते हैं साहब। एक बार देख जरूर लेना, जो सच्चा बना दूंगा मैं, फोन कर दूंगा मुझे पता बात। ठीक है दादा, ठीक है। अभी मैं 28 में आज तक के साथ हूँ, और 28 को भी अगर तू जाम को और काम है काम बहुत। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए सीओ चकबंदी को जांच के निर्देश दे दिए। तहसील क्षेत्र के एक गांव निवासी मुकेश कुमार ने चकबंदी लेखपाल पर उड़ान चक काट दिया था, जिसे सही करने के लिए लेखपाल ने 70,000 रुपए की मांग की थी। जब किसान मुकेश ने असमर्थता जाहिर की तो लेखपाल ने उसे हड़काते हुए चक नाप बनाने की धमकी दी थी। परेशान किसान ने कर्ज लेकर रुपयों की व्यवस्था की और लेखपाल को 20,000 रुपए दे दिए। किसान का आरोप है कि रुपए देने के बाद भी उसने चक नहीं बनाया। लेखपाल 50,000 रुपए की और मांग कर रहा था। किसान ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इस घटना का वीडियो किसान ने अपने मोबाइल में बना लिया था। परेशान किसान जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के समक्ष पेश हुआ और वीडियो दिखाकर कार्रवाई की गुहार लगाई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच सीओ चकबंदी जलालाबाद को सौंप दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।